हेलो फ्रेंड्स, के आर एस सक्सेस शॉर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं हाजिर हूँ कृतिका श्रीवास्तव आप सबके बीच। मैं सीटेट 2013 का पेपर लेके आज आई हूँ। जैसा कि मैं लास्ट ईयर भी आपको प्रिपरेशन करा रही थी सीटेट और यूपीटेट के एग्ज़ाम्स के लिए, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा बच्चों का जिन लोगों ने भी मुझे फॉलो करा। और जैसा कि मैंने बताया था कि क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करके अगर जाते हैं तो आपको एक आइडिया रहता है कि किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। और डेफिनेटली मैं श्योर हूँ इस बात से कि बहुत से बच्चों ने अच्छे नंबर स्कोर किए मैथमेटिक्स में, काफ़ी अच्छा नंबर रहा उनका। और पेपर अगर सॉल्व कर रहे हैं आप तो डेफिनेटली आप इस बात से श्योर रहिए कि आप मैथ्स में तो फेल नहीं होने वाले हैं, मैथ्स में आप अच्छा नंबर स्कोर कर पाएंगे। तो अब आपका पेपर चूँकि जुलाई में है तो हम लोग जो है अब प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे मैथ्स पेपर के लिए, और आई होप कि बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे सब लोग। आज मैं सीटेट 2013 का पेपर लेके आई हूँ क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ मैथ्स का, जिसका एग्ज़ाम 28 जुलाई 2013 को हुआ था। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये पार्ट वन है आपका। 15 क्वेश्चन का सेट मैं लेके आती हूँ हर बार, और ये 15 क्वेश्चन का सेट है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है? पहला है 2/7 से 7 कितना ज़्यादा है? तो देखिए, दूसरा इसका पूछ रहा है 25, 71, 90, 9, 8, 17, 85 संख्याएं आरोही क्रम में लिखिए। तीसरा कह रहा है कौन सा बड़ा है, 1/3 या 7/5, और डी है 2.7 से बड़ी कोई 4 संख्याएं लिखो। तो देखिए, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, इन तीनों के जो आंसर्स हैं वो सिर्फ एक ही आंसर होंगे। एक मीन्स सेम नहीं, क्वेश्चन नंबर ए का भी सिर्फ कोई एक ही आंसर होगा, बी का भी सिर्फ कोई एक ही आंसर होगा, सी का भी सिर्फ कोई एक ही आंसर होगा, लेकिन 2.7 से बड़ी कोई 4 संख्याएं जो लिखना है, ये संख्याएं अनंत हो सकती हैं, है ना? 2.7 से बड़ी संख्याएं जो होती हैं, सिर्फ 4 ही नहीं होंगी, बहुत सारी संख्याएं होती हैं जो 2.7 से बड़ी होती हैं, इसलिए इसका ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 2 में शिक्षार्थियों को सरल आकृतियों, उसके लंबे और किनारों से परिचय कराने का सबसे उत्तम उपकरण है? तो देखिए, इसका पहला है श्याम पट का तल। तो श्याम पट जो आपका ब्लैक बोर्ड होता है उसके तल से हम जो है उसकी आकृति का और उसके लंबे होने से, ये आप बच्चों को इससे परिचय नहीं करा सकते हैं। अगर आप लोगों ने कभी मैथ्स लैब किया होगा, आजकल के पहले के टाइम में नहीं होते थे मैथ्स लैब, लेकिन अब तो बच्चों के लिए जो है मैथ्स लैब भी अवेलेबल हैं स्कूल्स में। तो जियो बोर्ड आपका एक मैथ्स लैब का इंस्ट्रूमेंट है। ये इक्विपमेंट जो होता है आपका, ये एक प्लास्टिक का इक्विपमेंट होता है, इसमें डिफरेंट पॉइंट्स दिए होते हैं और रबर बैंड के यूज़ से आप उसके डिफरेंट पॉइंट्स को एक दूसरे से टच करा सकते हो। रबर बैंड के यूज़ से आप उस पर डिफरेंट शेप्स आप उस पर ड्रॉ कर सकते हो, एज लाइक ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, हेक्सागन, पेंटागन, एनी वन। ओके, तो जियो बोर्ड एक ऐसा उपकरण है, ठीक है, जिसके यूज़ से हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को जो है सरल आकृतियों, उसके लंबे और किनारों से परिचय कराने का सबसे अच्छा साधन है या उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 11 इकाइयाँ + 11 दहाइयाँ + 11 सैकड़े बराबर है? तो देखिए, 11 इकाई, इकाई मतलब होता है 1, मतलब कि 11 × 1 क्या होगा, 11। नेक्स्ट है 11 दहाई, दहाई मतलब होता है 10, 11 × 10 होता है 110। नेक्स्ट है 11 सैकड़े, सैकड़ा मतलब होता है 100, ठीक है, इकाई मतलब होता है 1, दहाई मतलब होता है 10, और सैकड़ा मतलब होता है 100। 11 × 100, ये हो गया आपका 1100, और इन तीनों का ऐड आपको करना था तो ये हो गया 1221। ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 509 और 3028 का योग क्या है? ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था, कोई भी कर सकता है। 509 को आपको ऐड करना है 3028 में, तो इसका आंसर आएगा 3537। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट वन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
पाँच दस और 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का अंतर क्या है? तो देखिए, सार्वगुणज क्या होता है पहले तो ये जानिए। सार्वगुणज देखिए वो नंबर होता है जो ऐसा नंबर हो जो इन तीनों नंबर से, 5, 10 और 35, इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए लेकिन सबसे छोटा हो। तो अगर आप चाहें तो कहें कि 10 भी डिविजिबल है इन दोनों से, लेकिन इससे तो नहीं है ना, आपको सबसे बड़े वाले नंबर से बड़ा देखना है। तो 35 का जब मल्टीप्लाई हम 1 में करते हैं तो 35 आता है, लेकिन जब इसका मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे तो हमें 70 मिलेगा। मतलब कि 70 एक ऐसा सार्वगुणज होगा जो इन तीनों से डिविजिबल है। ठीक है, फिर आता है सार्वगुणनखंड, इसको कहते हैं HCF। HCF कैसे निकालते हैं? 5 का फैक्टर 1 × 5, 10 का फैक्टर 2 × 5, 35 का 5 × 7। अब इन तीनों में अगर कोई नंबर कॉमन है तो वही होता है सार्वगुणनखंड। मतलब कि मसा, मतलब कि महत्तम समापवर्तक, मतलब कि HCF। इसके डिफरेंट नेम्स हैं तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये हुआ 5 और इनका अंतर हो गया 70 - 5 = 65। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 पर बल देती है। गणित चयनित छात्रियों को पढ़ाया जाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है, डेफिनेटली। शिक्षार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए, ये भी ज़रूरी नहीं है। निम्न उपलब्धिकर्ताओं के लिए गणित पाठ्यचर्चा अलग होगी। तो पाठ्यचर्चा जो है वो आपका निम्न उपलब्धिकर्ताओं के लिए अलग होना चाहिए। देखिए, अगर ऐसा हो जाएगा तो पढ़ाई हो ही नहीं पाएगी क्लास में। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट वन। गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। नौ क्वेश्चन नंबर 7। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएँ होती हैं। उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हों, स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता हो, केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल किए गए हों, और उन्हें मोटी व भारी होना आवश्यक है। तो देखिए, लास्ट का जो ऑप्शन है वो तो बिल्कुल ही गलत है। सी वाला भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि केवल हल किए गए अगर अभ्यास उसमें देंगे तो फिर बच्चे खुद से मेहनत नहीं करने वाले हैं। ऑप्शन नंबर ए एंड बी इज़ द राइट वन। देखिए, आपने अगर ऑप्शन को डिलीट करते हुए आप चलेंगे तो भी आपके पास सिर्फ ए और बी का ही ऑप्शन बच रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए एंड बी इज़ द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंड मतलब हो गया फैक्टर। फैक्टर हम निकालते कैसे हैं? 105 इसे हम लेंगे एलसीएम, तो 3 से कटेगा 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15। 5 से कटेगा 7 times और 7 से कटेगा 1 times। इसका फैक्टर हुआ 3, 5, 7। आपसे पूछा है गुणनखंडों की संख्या, तो कितने हो गए? 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। अगर समय 2:17 PM हो रहा है तो अब से ठीक 11 घंटे और 59 मिनट के पश्चात क्या समय होगा? देखिए, आप सबको पता है कि 12 घंटे बाद जो है जस्ट सेम समय होता है। अगर दोपहर के 2 बज रहे हैं तो 12 बजे, 12 घंटे बाद सुबह का 2 बजेगा, मतलब कि रात का जो 2 बजता है वही। सुबह के 5 बज रहे हैं तो उसके 12 घंटे बाद जो है शाम का 5 बजेगा, तो वो चीज़ तो सेम रहती है, बस AM PM चेंज होता है। अब देखिए, 2:17 PM है, ठीक है, आपसे कह रहा है 11 घंटे 59 मिनट्स, मतलब कि 12 घंटे में सिर्फ 1 मिनट कम। तो आप इसका जस्ट अपोजिट ले लीजिए, 2:17 PM 12 घंटे बाद 2:17 AM हो जाएगा, लेकिन 1 मिनट कम है तो उस 17 में से 1 माइनस कर दीजिए, 2:16 AM। राशिद कक्षा 5 में पढ़ता है। वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को भिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन त्रिभुज में 3 कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसके अमूर्त प्रमाण को समझने में उसे कठिनाई होती है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार राशिद डैश चरण पर है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है संवेदी गतिक या संवेदी गामक अवस्था। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप लोगों ने, वैसे तो सबने BTC और BEd करा ही होगा, लेकिन हाँ काफ़ी टाइम हो गया है तो मे भी आप भूल रहे हों। तो एक चीज़ ये है कि अगर कोई शिक्षार्थी प्रश्न को एलैबोरेट कर सकता है, मतलब कि वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन उसके प्रश्नों को व्याख्या करने में वो असमर्थ है, ठीक है ना,
वो उस प्रश्न को बहुत अच्छी तरह से वर्गीकृत कर रहा है, लेकिन उसे जो है व्याख्या, उसको जो है पूरा ब्रीफली डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा है। तो वो पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के चरण पर है, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी। 3.5 समकोणों की डिग्रियों की संख्या, तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए अब आपसे कहा है 3.5, तो आप 3.5 को छोड़ दीजिए, पहले 3 समकोण के लिए निकालिए। तो 3 समकोण, समकोण मतलब 90 डिग्री, तो समकोण पहले 3 समकोण की डिग्रियों की संख्या, 3 × 90, 270 हो गया। अब आधा जो बचा आपका आधे समकोण का, आधा मल्टीप्लाई बाई 90, 45, तीनों का जो है जोड़ कितना हो जाएगा, 315, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, एक घन के 6 फलक होते हैं, ठीक है, ये आपका सही है। बी है आपका 1 मिलीमीटर में कितना होता है, 1.1 सेंटीमीटर। सी है 0.10 और 0.1 समान है, और डी है आपका 56.7 किलोग्राम इज इक्वल टू 5670 ग्राम। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन तो आपका एकदम सही है, दूसरा है आपका 1 मिलीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर होता है, ये भी बिल्कुल सही आपका ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी आपसे देखिए कह रहा है 0.10 और 0.1 समान है, तो जी बिल्कुल समान है, 0.10 और 0.1 एकदम एक ही होते हैं। अब है 56.7 किलोग्राम, तो देखिए 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो अगर आप इससे आप इसमें मल्टीप्लाई भी करते हैं तो आपका 10 जो है इस पॉइंट की वजह से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 10 और आना चाहिए, मतलब कि डी वाला पार्ट आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 13, संख्या 1, 2, 3, 4, 5 में 3 के स्थानीय मान और अंकित मान का आपको अंतर बताना है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी, अगर आपने पहले तैयारी करी है तो मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप चेक करिएगा जो मैंने कराए हैं, इसमें सेम एज इट इज़ यही क्वेश्चन जो है, इस तरह के ही क्वेश्चन जो है पहले पूछे गए। अंकित मान और स्थानीय मान, स्थानीय मान डिनोट करता है स्थान को, ठीक है, जैसे ये पहला स्थान है तो ये 1 होगा पॉइंट, ये दूसरा है तो यहाँ पे अगर ये वाला पॉइंट, अगर इस वाले का बात कर रहे हैं तो यहाँ का 10 लग जाएगा, अगर इसका बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 20, इसका बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 30, आपसे 3 का पूछ रहा है तो 3 इसके बाद से कितने नंबर है, 2, तो यहाँ पे 300 हो जाएगा। फिर अंकित मान, तो अंकित मतलब जो वैल्यू पुट होती है उसी का मान हम लगाते हैं, मतलब कि 3 की वैल्यू क्या है, 3 ही है, अंतर कितना हो जाएगा, 297, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कक्षा 3 की पाठ्यपुस्तक में से एक समस्या है, निम्नलिखित समस्या को हल करने के लिए कौन सी गणितीय संक्रिया का प्रयोग किया जाएगा, एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है, वह एक दिन में कितने लीटर दूध बेचता है, उपयुक्त सवाल में ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की किस दक्षता की ओर संकेत है, संश्लेषण, ज्ञान, बोधन और विश्लेषण। तो देखिए ज्ञान और बोधन तो नहीं है, किसी प्रकार का ज्ञान और बोध नहीं इसमें हो रहा है, क्वेश्चन है सीधा और आपसे आंसर पूछा जा रहा है, विश्लेषण हो रहा है यहाँ पे, बिकॉज छोटी छोटी चीज़ों को इकट्ठा करके आपको जो है एक आंसर आपको देना है, पहले आप छोटी छोटी वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे, उसके बाद से आप जो है उसके आंसर को एनालाइज करेंगे, तो विश्लेषण विधि आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 अधिगम में रचनावादी उपागम पर बल देती है क्योंकि डैश पर केंद्रित है। तो देखिए पहला इसका ऑप्शन है, शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और अनुदेशन, परिभाषाओं और सूत्रों को याद करने में, नियमित गृह कार्य जमा कराने में, गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता। तो पढ़ के आपको समझ में आ रहा होगा कि गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता जो है इसका आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 अधिगम की रचना पर बल देती है क्योंकि वह गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता पर केंद्रित है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तो ये हो गए आज के 15 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट, और ये आपका 2013 का 1st to 5th का पार्ट 1 था, बाकी 15 क्वेश्चन के साथ मैं जल्दी ही आऊँगी। क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट ज़रूर करिएगा और मैं उसे और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। ओके, टिल देन बाय बाय।